नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अच्युत अभिषेक। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान संपन्न। प्रदेश की 8 सीटें भी अंतिम चरण में थी शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर कुल 50.56% हुआ मतदान। एडीजी जेएस गंगवार ने कहा, चुनाव के दौरान 54,753 गैर जमानती वारंट हुए निष्पादित, 85 लोग गिरफ्तार। भाजपा नेता और पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर कल पटना जहानाबाद सड़क मार्ग पर कुछ अज्ञात लोगों ने किया हमला। नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की ओर से आयोजित बैठक में चुनाव के बाद की रणनीतियों पर हुई चर्चा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान किया जारी। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और महत्वपूर्ण नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में सुरक्षित हो गया है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बक्सर, नालंदा, काराकाट, आरा, सासाराम और जहानाबाद में भी कल सातवें और अंतिम चरण में मतदान संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के बाद कल पटना में निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सात चरणों में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में कई तरह के नवाचारों के साथ कई नए प्रयासों को क्रियान्वित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर कुल 50.56% मतदान हुआ है। साथ ही पूरे चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों से मतदान के बहिष्कार की भी खबरें आई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 4 जून को होने वाले मतगणना कार्य के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा उम्मीद है हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। इस सप्तम चरण में हम लोग कुल मिलकर 3.41 करोड़ नगद जब्त किया, 4,31,000 लीटर शराब जब्त किया जिसका मूल्य करीब 15,52,00,000 है। हम लोग का रिजर्व सहित 20,436 कंट्रोल यूनिट, 28,267 बैलेट यूनिट तथा 22,156 वीवीपैट बैट को उपयोग हुआ, जिसमें मात्र 36 कंट्रोल यूनिट, 52 बैलेट यूनिट और 169 वीवीपैट मॉकपोल के दौरान बदले गए। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक 8-8 ईच थे, पुलिस प्रेक्षक 5, माइक्रो प्रेक्षक 1,876, मॉडल मतदान केंद्र संख्या 117, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्र संख्या 56, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 146 व 7,878 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हुआ है। 1,62,00,000 हमारा कुल मतदाता थे आज, जिसमें 85 लाख पुरुष मतदाता और 77 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसमें सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,000 है। हम लोग का वोट बहिष्कार का हम लोग बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में, लेकिन आंकड़ा दूसरा चीज बताता है। विगत निर्वाचन 2019 में 75 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार किया था, इस बार मात्र 32 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ। हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखते थे। पिछले बार मात्र 1,354 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ, जबकि इस बार हम लोग का लगभग 40,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ।
निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एडीजी जेएस गंगवार ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान 54,753 गैर जमानती वारंट निष्पादित किए गए और 85 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे देरा क्षेत्र में अवस्थित बोर्ड थे, क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस सातवें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1,359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराया। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे सातों फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे सातों फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया पूरे सातों फेज में मिलाकर। भाजपा नेता और पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर पटना जहानाबाद सड़क मार्ग पर कल कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मसौढ़ी थाना क्षेत्र में मतदान केंद्र से लौटने के दौरान हुई इस घटना में एक कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। पटना पूर्वी के पुलिस अधीक्षक भरत सोनी ने बताया कि इस घटना के संबंध में पुलिस को एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मामले की गहन छानबीन की जा रही है। ये सूचना मिली कि माननीय सांसद, जो पूर्व सांसद हैं रामकृपाल यादव जी, उनके जो काफिला है उसमें हमला हुआ है, उसमें उनका एक कार्यकर्ता जो है वो चोटिल हुआ है। इस संदर्भ में माननीय जो रामकृपाल यादव जी, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस मामले के संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अग्रतर आपको बताएंगे और जो भी इसमें अभियुक्त लोग हैं गया है कि उनके द्वारा जो है हमला किया गया है, उनकी पहचान करते हुए पुलिस की टीम लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मतदान के क्रम में कल विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता आरके सिंह ने कहा है कि जनता विकास के मुद्दे पर मजबूत सरकार के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनेगी। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया कि जनता इंडी गठबंधन को भारी मतों से जिताएगी। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि एनडीए की निर्णायक जीत होगी। भाजपा नेता और पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन ने कहा कि जनता विकास और देश हित के मुद्दे पर ही अपना उम्मीदवार चुनेगी। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बार। ये जानते हैं कि वहाँ 4 तारीख के बाद कोई सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग आज कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकलें। उन महिलाओं ने मोदी जी का लाभ देखा है, काम कोरोना में टीका लगा, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया, आज भारत की आर्थिक विकास कितना आगे बढ़ा ये देख रहे हैं आप। मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा के बाद ही चुनाव हो रहा है। मुद्दा तो स्पष्ट है, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश में विकास, सर्वानुमुखी विकास,
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को इस स्थान पर वो ले आए जहां अर्थव्यवस्था में आज भारत एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है और जो सपना है कि 2047 तक हम विश्व की पहली अर्थव्यवस्था वाला देश ये बनाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया, जनता विकास चाहती है। सातवें और अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के बाद कल नई दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में आगे की रणनीतियों पर विचार विमर्श हुआ। प्रजा की भलाई प्रजा की है इसके वो के वो मुल्क का हिस्सा बन जाए। वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। जोर शोर से चल रही है। गोपालगंज के जिलाधिकारी मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मतगणना के लिए प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर विशेष तैयारी की गई है। इस दिन किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना थावे स्थित डायट केंद्र में होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से गोपालगंज की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 25 तारीख हमारे यहाँ चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अब आने वाला 4 जून को मतगणना है। मतगणना की तैयारी में हम लोग यहाँ पर 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें प्रत्येक असेंबली के लिए अलग अलग हॉल रखा हमने। 14 टेबल ECI का गाइडलाइन, 14 टेबल मिनिमम रख सकते हैं, हम लोग उस हिसाब से 14 टेबल एडजस्ट किए। मतगणना में गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने AC का व्यवस्था किया वो, और कर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट से भी आग्रह किया कि अपना अपना काउंटिंग एजेंट वहाँ दे दें, प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट का प्रावधान है, वो एजेंट को हम लोग पास इशू कर दिया। और क्या एंट्री के लिए है, एंट्री के लिए ड्रॉप गेट वगैरह हम लोग रखा कि कहाँ तक वाहन जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। 3 गेट हमारे पास है, तीनों गेट को ये मार्क कर दिया है, एक गेट नंबर 1 से कौन कौन जाएंगे, गेट नंबर 2 से कौन जाएंगे, गेट नंबर 3 से कौन कौन जाएंगे। गैंगवे बना के हम लोग सभी काउंटिंग हॉल में काउंटिंग एजेंट के लिए बना दिया, उसी से वहन ले जाएंगे। उनको मतगणना निर्धारित की गई है और इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बाहर से हम लोगों को 4 कंपनी जो है CAPF उपलब्ध कराया गया है और जो मतगणना परिसर है उसकी सुरक्षा को देखते हुए 3 लेयर में सुरक्षा किया गया है और मतगणना परिसर से 100 मीटर पहले ही कोई गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी। और जो निजी वाहन है उनके लिए हम लोग एक डाइवर्जन प्लान बनाए हैं, इसको एक प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किया जाएगा और गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा जो थावे डाइट मतगणना परिसर है। इसके अलावा मतगणना परिसर के अंदर जो जाने वाले लोग वैसे वही लोग अलाउड होंगे जिनके पास पास होगा और जिनको पहचान पत्र निर्गत किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति का जो है प्रवेश वर्जित रहेगा। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के बूथ संख्या 188 पर घूरन बिघा गांव के लोगों ने कल मतदान का बहिष्कार किया। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद ग्रामीण वोट डालने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों का आरोप था कि वर्षों से उनके गांव की उपेक्षा की जा रही है, गांव में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग का मांग है जी के चलते बहिष्कार किए हैं सारे गाँव में।
जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड के सरैया गांव के बूथ संख्या 106 और 107 पर भी वोट नहीं पड़े। यहां गांव वालों ने कल के मतदान में बहिष्कार का फैसला किया। उन्होंने कहा कि गांव का विकास नहीं होने के कारण उन्होंने वोट नहीं डालने का फैसला किया है। कोई व्यवस्था सरकार नहीं किया, न एमपी या न विधायक यहाँ तक दर्शन तक देने के लिए तैयार नहीं है। पानी बाहर मर जाए या एम्बुलेंस जो पुरे में रुक जाती है, कुछ भी कठिनाई या फतकालीन होता है, हमारे की यहाँ गाड़ी नहीं आती है, कोई सुविधा नहीं है। और कोई इस पर एमपी विधायक कोई मंत्री कोई सुनवाई नहीं किए, अंत में हम मजबूर होकर के हम लोग का एकता होकर के निर्णय लेना पड़ा कि मैं वोट बहिष्कार मैं न करूँगा। पटना स्थित मनेर के लड्डू की अलग ही पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में इसका जिक्र करके इससे और भी चर्चित कर दिया है। मनेर की एक दुकान से यहां के लड्डू और इसकी प्रसिद्धि का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले बिक्रम की एक जनसभा में घोषणा की थी कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो उसके लिए मनेर के लड्डू तैयार रखने के लिए। उन्होंने कहा था कि जीत का स्वाद मनेर के लड्डू के साथ एनडीए भाजपा चखेगी। ऐसे में मनेर के लड्डुओं की डिमांड बढ़ गई है। आइए जानते हैं मनेर के लड्डू जो बनाते हैं उनसे कि कैसा है, अभी बिक्री में क्या कुछ इंक्रीज हुआ है क्या? हाँ, बिक्री में है 20-25% बढ़ोतरी हुआ है सेल में। तो मतलब अभी ये जो लड्डू है, कितने तरह के लड्डू आप लोग? अभी दो तरह का लड्डू बनता है, एक घी का है देसी घी का, एक रिफाइन का बनता है। अच्छा, तो जो अभी ऑर्डर्स आए हैं जो आप बता रहे हैं वो घी वाले हैं रिफाइन? घी वाला लड्डू। मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों में वृहद पैमाने पर मखाने का उत्पादन होता है। यहां के मखाना उत्पादक किसानों को लाभ देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल की है। पूर्णिया के डाक अधीक्षक किशोर कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां के उत्पादित मखाने को डाक विभाग के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। मखाना उद्यमी मनीष कुमार ने कहा कि इससे स्थानीय किसान और उद्यमियों को काफी लाभ मिलेगा। हम बताना चाहेंगे कि डाकघर जो है वो डाक निर्यात केंद्र चालू किया है, जिसके तहत जो भी छोटे छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, वो अपने सामान को अगर विदेश भेजना चाहते हैं और किसी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा है तो डाकघर उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराता है। वो डाकघर जैसे यहाँ पूर्णिया में पूर्णिया एचओ में डाकघर निर्यात केंद्र बना हुआ है। हमारे पूर्णिया में डाक निर्यात केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। कोई भी अगर व्यक्ति छोटा भी कंसाइनमेंट हो विदेश में भेजना चाहता हो तो वो इनके माध्यम से, राजेश जी और जो इनके टीम के माध्यम से, आप आराम से भेज सकते हैं। जो भी कस्टम क्लियरेंस वगैरह का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है यही लोग सॉल्व करके देते हैं। सशस्त्र सीमा बल की 52वीं वाहिनी की ओर से अररिया जिला मुख्यालय में 12वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण के साथ ही विभिन्न प्रकार के खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मोटे अनाजों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। बल के कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसएसबी भारत नेपाल, भारत भूटान के साथ ही जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वृहद स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही है। We'll be right back.
हर एक फोर्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि SSB भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और आतंक उस इलाकों में अपना सेवाएं दे रही हैं। तो हमारा जो ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, इसी ध्येय वाक्य को लेकर हम जो है अपना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दी है उसको हम निभाते हैं। मोटा अनाज खाना कितना आवश्यक है सभी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए, हम सबकी हेल्थ के लिए, ये मैंने आज बताने की कोशिश की। मोटे अनाज में बहुत सारे पोषक तत्व सामान्य गेहूं या चावल जैसे अनाज से कहीं ज़्यादा हैं, वो हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करने चाहिए। भारत की विकासशील और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% रहने की संभावना की सराहना की है। पेश है एक रिपोर्ट। अरविंद पनगढ़िया ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के 8.2% रहने की संभावना की सराहना करते हुए इसे भारत के लिए बड़ी और बहुत अच्छी खबर बताया। भारत के G20 नेता अमिताभ कांत ने भी कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 4 तिमाहियों में सबसे निचले स्तर 7.8% पर बढ़ी। जून तिमाही में अर्थव्यवस्था 8.2% पर रही और सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.6% की दर से बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में GDP का विस्तार 8.2% रहा, जो 2022 से 23 में दर्ज 7% से अधिक है। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने निवेश गतिविधि से प्रेरित क्रमिक मंदी का उल्लेख किया, जबकि PHDCCI के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने इसे 2047 तक विकसित भारत की दिशा में प्रयासों के प्रतिबिंब के तौर पर रेखांकित किया। आकाशवाणी समाचार पटना का YouTube चैनल और ईमेल हैक हो गया है। विगत 30 मई को इसकी जानकारी मिलने के बाद इस संबंध में बिहार आर्थिक अपराध इकाई के साइबर अपराध प्रकोष्ठ में आवेदन देकर जांच करने और यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। आकाशवाणी समाचार पटना के प्रमुख अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में साइबर पुलिस थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ताकि हैकिंग के बाद चैनल का दुरुपयोग रोका जा सके। कटिहार पुलिस की विशेष टीम ने साइबर अपराध से जुड़े कई मामलों में संलिप्त एक अपराधी को कोढ़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से कई मोबाइल फोन के साथ ही इन अपराधियों के चंगुल में आए लोगों के आपत्तिजनक और वीडियो और फोटो बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके साथ ही पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में एक फर्जी DSP को भी गिरफ्तार किया है। बेसिकली टॉर्चर करता था और कई उसमें जो है मोबाइल में जो हम लोगों ने जो देखा इसमें कई विक्टिम्स हैं उसमें, और उनको लगता था कि ये सही में कोई साइबर का मतलब ऑफिसर बोल रहा है और वो बन करके उनको जो है विक्टिमाइज करता था। तो ये काफ़ी संगीन मामला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत की संभावना जताई है। अपने पूर्वानुमान में विभाग ने रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर उष्ण लहर के साथ ही राज्य के पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के शेष जिलों के एक या दो स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक तरफ भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है तो दूसरी तरफ जलस्तर के नीचे जाने की वजह से लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बिहार के नवादा जिले के रहीम बिघा गांव में पेयजल की संकट की वजह से शादियां टाली जा रही हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के रहीम बिघा के रहने वाले जयराम के बेटे की शादी 2 महीने पहले से तय है।
लेकिन पानी के संकट की वजह से घर वाले शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि डेढ़ महीने पहले बाबूलाल राम के बेटे की शादी भी तय हो गई है, लेकिन मुहूर्त होने के बावजूद बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। जयराम और उनकी पत्नी सुनैना देवी बताती हैं कि खुद के पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में नाते रिश्तेदारों और बारातियों का सत्कार कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिलहाल शादी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। शादी ब्याह हम लोग करे वाला आदमी है, अब पानी नहीं है तो कैसे करें? आपके परिवार में? हाँ, हमारा परिवार के लड़का का शादी है, अभी पानी नहीं मिल रहा है। देखो विदम है, कहाँ से लाता है जेरी मनी टंकी, तो शादी ब्याह होता है। देखिए हाले दो गो शादी हुआ तो टंकी से पानी आया, रहन बीघा घर होले जी। पानी के तकलीफ है, पानी चलते यहाँ शादी ब्याह रुकल है। जब पानी पड़ते तो आषाढ़ ने भगवान पड़ते तो आषाढ़ ने शादी करवे। वैसे तो खकंदुआ पहाड़ी के किनारे स्थित रहीम बिघा गांव में कई चापाकल हैं, लेकिन पानी का स्तर गर्मी की वजह से नीचे चला गया है। इस कारण चापाकल में पानी आ रहा है। बहु राखी देवी बताती हैं कि उन्हें ससुराल में खाना मिल रहा है, लेकिन पानी का अभाव है, जिसकी वजह से दो तीन दिन एक बार वे स्नान कर पाती हैं। रहीमपुर में एक सामुदायिक शौचालय है, लेकिन वहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जनक राम बताते हैं कि खखंदुआ पहाड़ की खाई से गांव के लोग पानी लाते थे, लेकिन एक घटना हो गई जिसके बाद से लोग डरने लगे हैं। जैसे तैसे वे लोग काम चला रहे हैं। उसमें दिक्कत हो गया, इसलिए से खखंदुआ से पानी लाते थे, पहाड़ से पानी लाते थे। वो जो घटना घट गया उसमें जो है कि पानी एक दो गो आदमी डूब के मर गया, तो हम लोग भी सोचे कि भाई इतना बच्चन लोग जाता है वहाँ गेंदरा फींचने का, वहाँ पानी लाने का, माँ के साथ जाती है लड़का बच्चा, तो ये तो जो है से गिर बजर जाएगा, तो ओकरों में हम लोग परेशानी होगा, तो वहाँ पानी लाना बंद कर दिया। जब पानी के लिए कपड़ा लत्ता खींचने के लिए बहुत दिक्कत होता है, पानी लाता है राम के ढकन लाओ खखंड लाता है, पहाड़ी से लाता है। नवादा जिले के रजौली, कौवा कोल और मिसकौर प्रखंड में करीब दो दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी की किल्लत है, और लोग किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान संपन्न, प्रदेश की 8 सीटें भी अंतिम चरण में थी शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर कुल 50.56% हुआ मतदान। एडीजी जेएस गंगवार ने कहा चुनाव के दौरान 54,753 गैर जमानती वारंट हुए निष्पादित, 85 लोग गिरफ्तार। भाजपा नेता और पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर कल पटना जहानाबाद सड़क मार्ग पर कुछ अज्ञात लोगों ने किया हमला। नई दिल्ली में एनडीए गठबंधन की ओर से आयोजित बैठक में चुनाव के बाद की रणनीतियों पर हुई चर्चा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान किया जारी, बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
कितना हुआ साहब? 110 रुपया हो गया। अरे मीटर तो 90 रुपए दिखा रहा है। अरे साहब ये सामान का पैसा नहीं देंगे क्या? पापा दे दीजिए ना, 20 रुपए की तो बात है। बेटी ससुराल से आई है, मैं झिकझिक नहीं करूंगा। ये लो, आप ये लो 5 रुपए रखो। अरे 5 नहीं 110 रुपए, और 100 रुपया दो। ये लो पापा, आप भी ना चलो। शैला बिटिया ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ गोवर्धन काका। मम्मी कहाँ है? तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी और पूड़ी बना रही है। चलो मैं सामान लाता हूँ। रुको बेटा, तुम अंदर जाओ। इस पेड़ को मत काटो। क्यों? क्योंकि ये पेड़ मेरी बुआ का है, मैंने लगाया इसे। क्यों काट रहे हो शैला?